वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद इसकी एक और नई वीडियो में। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हाउ टू राइट अ स्टोरी, या फिर जिसे हम स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। स्टोरी राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये अक्सर स्कूल में बच्चों को लिखने के लिए आती है। तो स्टोरी लिखने के कई तरीके हैं। एक तो है कि आपको कुछ आउटलाइन गिवन होगी, मतलब कि कुछ हिंट्स गिवन होंगी और आपको उसके बेस पर एक कहानी लिखनी होगी। और दूसरा है आपको कुछ पिक्चर्स गिवन होंगी, उन पिक्चर्स को देखकर आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है आप उनको जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर उन आइडियाज के बेस पर जो कहानी आप बना सकते हैं वो आपको बनानी होती है। अच्छा, स्टोरी लिखते वक्त हमें सबसे पहले, आपको पता है, एक टाइटल सजेस्ट करना होता है जो सूटेबल टाइटल हो, जो कि कहानी के अकॉर्डिंग हो। टाइटल जो है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो कहानी से अलग नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए मैं आपके लिए इसी तरह की स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं आपको कुछ पिक्चर शो करूंगी और आप उसको देख के एक कहानी बनाएंगे। तो पहली पिक्चर आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को देखकर आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं आप उनको देखिए, फिर सेकंड पिक्चर से इसको कनेक्ट करिए और फिर कुछ कहानी बनाइए। और इन आइडियाज के बीच कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपकी जो स्टोरी है वो अच्छी पढ़ने में लगेगी। तो आई होप आपने पिक्चर्स देख ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। पहली पिक्चर में हमने देखा कि एक कोई राजा या फिर वो सोल्जर है, वो अपने बैटल फील्ड से भाग रहा है। और दूसरी पिक्चर में एक स्पाइडर जो है वो अपना वेब जाल बनाने की कोशिश कर रही है और राजा जो है उसे देख रहा है। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि स्पाइडर अपना जो वेब है वो कोशिश कर रही है बनाने की। और फोर्थ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सोल्जर जो है वो अपनी बैटल से जीत कर आ रहा है और वो खड़ा हुआ है और खुश लग रहा है। तो इन आइडियाज को कनेक्ट कीजिए और ये कहानी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही हैड मेनी एनिमीज, दे फॉट अगेंस्ट हिम एंड डिफीटेड हिम, आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ही रैन अवे फ्रॉम हिज किंगडम। अब आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो आइडियाज मुझे पिक्चर को देखकर आए उनको मैंने कनेक्ट किया। ठीक, राजा था, वो लड़ाई से हार गया और वो सब कुछ छोड़कर अपने किंगडम को छोड़कर चला गया। देन वन डे ही वॉज रेस्टिंग and noticed that a spider was trying to build a web, but it failed each time it tried. It fell down many times, but it kept on trying again. The king was continuously watching the spider. एक दिन जो राजा था वो बैठा हुआ था, एक उसने मकड़ी को जाल बुनते हुए देखा, लेकिन वो बार बार गिरे जा रही थी, लेकिन राजा उसको बराबर देखता रहा और वो उसको नोटिस करता रहा। Then, after each fall, the spider jumped up again. Having made several attempts, the spider was able to weave the web. बार बार गिरने के बाद जो है स्पाइडर ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो अपना जाल बनाने में लगी रही और राजा ये सब कुछ देखता रहा। The king began to think of his own failures. He felt ashamed because he didn't try again like the spider did. After realizing his fault, he decided to go back and try again. He went back and fought his enemies. तो क्या हुआ, मकड़ी को देखकर राजा ने सोचा कि जिस तरह से ये बार बार कोशिश कर रही है, मैं भी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने दुश्मनों से दोबारा जाकर लड़ूंगा। And the result was that he gained everything whatever he had lost and became a powerful king again. और क्या हुआ, जब वो गया उसने अपने दुश्मनों से लड़ा और वो दोबारा से जीत गया और वो दोबारा से पावरफुल बन गया। तो इस कहानी का आप टाइटल सोचिए, जैसे कि हम दे सकते हैं नेवर से डाई, या फिर द फाइनल विक्ट्री, या फिर नेवर गिव अप होप, या फिर अगर आप इसके अलावा भी कोई टाइटल सोच सकते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो कहानी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस तरह की कोई पिक्चर कॉम्पोजिशन आती है तो आप उस किस तरह से उसको लिखेंगे और पिक्चर से आइडियाज लेके एक कहानी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।